हाय बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आपको गोवा के एक बहुत ही फेमस प्लेस चपोरा फोर्ट ले जा रही हूँ। तो म्यूजिक के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और पूरी स्टोरी और व्यू ऊपर चलने के बाद डिस्कस करते हैं। हम लोग ऊपर आ गए हैं। आपने सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते व्यू तो देखा ही होगा। यह फोर्ट कहाँ है और आपको यहाँ तक कैसे आना पड़ेगा, इसकी जानकारी वीडियो के लास्ट तक में आपको मिल जाएगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ, यह फोर्ट मुस्लिम शासक आदिल शाह ने बनवाया था और उसने इसे शाहपुरा नाम दिया था। लेकिन पुर्तगीज लोगों ने जब भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने इसका नाम बदलकर चपोरा रख दिया। चपोरा नेम रखने के पीछे कारण था कि ये जस्ट चपोरा रिवर के ऊपर है। जैसा कि आप आगे देखेंगे कि एक साइड रिवर है जिसका नाम चपोरा रिवर, और दूसरी चीज यह किला दिल चाहता है मूवी से ज़्यादा फेमस हो गया। दिल चाहता है मूवी में इस फोर्ट के ऊपर से सीन लिए गए हैं। आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टोटल 102 सीढ़ियाँ आपको चढ़ना पड़ेगा। ये सीढ़ियाँ 2019 में बनाई गई हैं। इससे पहले ऐसे ही लोग चढ़ते थे, छोटे छोटे पत्थरों के बीच से जाना पड़ता था, लेकिन सीढ़ियाँ बनने के बाद आसानी हो गई। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए जय श्री राम जरूर बोल लेना, क्योंकि चढ़ने के बाद लंबी लंबी ब्रीथिंग जरूर लेना पड़ेगा। ये पॉइंट व्यू दिल चाहता है मूवी में दिखाया गया है। ये सामने वगाटोर बीच आपको दिख रहा है और वहाँ नीचे नाइट क्लब है। चले दूसरी साइड से व्यू दिखाती हूँ। I'm not afraid to die.
यह प्लेस फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप गोवा आ रहे हो तो इसे जरूर घूमना। और यह फोर्ट वागाटोर भी से जुड़ा हुआ है और पंजिम सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और कलंगुट एंड बागा बीच से 5 किलोमीटर दूर है। अगर आपको गोवा के बारे में या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे गोवा की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।